दोस्तों आईपीएल 2023 के लिए सभी टीमें अपने अपने स्क्वाड में एक से बढ़कर एक डेंजरस बल्लेबाजों को शामिल करेगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सभी 10 टीमों के स्क्वाड में शामिल होने वाले पिंच हिटर बल्लेबाजों की फाइनल लिस्ट बताएंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जोर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जोर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन सभी 10 टीमों के स्क्वाड में शामिल होने वाले पिंच हिटर बल्लेबाजों की फाइनल लिस्ट बता देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम और ये टीम ऑक्शन में पिंच हिटर बल्लेबाज के तौर पर क्रिस लिन को खरीदेगी, जहां पर केकेआर के रडार पर क्रिस लिन इंक्लूड है और ये टीम 100% क्रिस लिन को अपने स्क्वाड में शामिल करने का प्रयास करेगी ताकि क्रिस लिन कोलकाता की टीम की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सके। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम और ये टीम भी दो पिंच हिटर बल्लेबाजों को टारगेट करेगी, जिसमें नाम आता है जेसन रॉय और इयान मॉर्गन का, जहां पर जेसन रॉय को ये टीम ओपनिंग स्लॉट के लिए परचेज करेगी, वहीं इयान मॉर्गन को ये टीम मिडिल ऑर्डर के लिए परचेज कर सकती है। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी टीम है मुंबई इंडियंस की टीम और मुंबई इंडियंस की टीम अपने स्क्वाड से तूफानी बल्लेबाज कैरन पोलार्ड को रिलीज कर देगी। तो ऐसे में मुंबई की टीम उनके भरपाई के तौर पर जेसन होल्डर और हेनरिक क्लासन जैसे प्लेयर्स को ऑक्शन में टारगेट करती हुई नजर आएगी और ये दोनों प्लेयर मुंबई की टीम के लिए पिंच हिटर का काम करेंगे, जहां पर होल्डर मुंबई की टीम के लिए गेंदबाजी भी कर सकते हैं और हेनरिक क्लासेन इस टीम के लिए बैकअप विकेट कीपर का काम करेंगे। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी टीम है पंजाब किंग्स की टीम और ये टीम भी ऑक्शन में दो बेहतरीन पिंच हिटर को टारगेट करेगी, जिसमें पहला नाम आता है एलेक्स हिल्स का और एलेक्स हिल्स को ये टीम 100% टारगेट करेगी, वहीं ये टीम कैरन पोलार्ड को भी अपने स्क्वाड में ट्रेड के जरिए शामिल करने का प्रयास करेगी, यानी कि पंजाब की टीम मुंबई इंडियंस से कैरन पोलार्ड को अपने स्क्वाड में ट्रेड कर सकती है। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी टीम है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम और इस टीम के पास पहले से कप्तान एमएस धोनी के रूप में दुनिया का बेहतरीन पिंच हिटर मौजूद है, लेकिन फिर भी ये टीम ऑक्शन में सैम करन और बेन स्टोक्स को एज ए पिंच हिटर टारगेट कर सकती है और हाईली चांस है कि चेन्नई की टीम सैम करन को या फिर बेन स्टोक्स को अपने स्क्वाड में परचेज करके अपने टीम का ताबड़तोड़ बल्लेबाज बना दे। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी टीम है दिल्ली कैपिटल्स की टीम और ये टीम ऑक्शन में जिस पिंच हिटर बल्लेबाज को टारगेट करेगी उसका नाम है बेन मैकडरमॉट, जो कि T20 ब्लास्ट और बिग बैश लीग में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और दिल्ली की टीम इस प्लेयर को इसलिए भी परचेज करेगी क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स टीम साइफर्ट को अपने स्क्वाड से रिलीज करने वाली है। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम और आरसीबी की टीम ऑक्शन में पिंच हिटर के तौर पर दो बेहतरीन प्लेयर्स को टारगेट करेगी, जिसमें पहला नाम आता है बेन स्टोक्स का, वही दूसरा नाम आता है क्रिस गेल का। तो इन दोनों प्लेयर्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ऑक्शन में टारगेट करती हुई नजर आएगी, जहां पर स्टोक्स इस टीम के लिए मिडिल ऑर्डर में काम करेंगे, वहीं क्रिस गेल को ये टीम मुख्य ओपनर के तौर पर ऑक्शन में टारगेट कर सकती है और क्रिस गेल अगर 3 से 4 मैच में भी चल गए तो आरसीबी टीम को अकेले दम पर लगभग 4 से 5 मैच जितवा सकते हैं। तो एज ए पिंच हिटर आरसीबी टीम क्रिस गेल को जरूर टारगेट करेगी। इसके बाद इस लिस्ट की आठवीं बड़ी टीम है इस साल की उपविजेता यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम और ये टीम ऑक्शन में 2 से 3 बेहतरीन ऑलराउंडर्स को टारगेट करेगी जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सके। तो इस लिस्ट में पहला नाम आता है मोहम्मद नबी का, इसके बाद साकिब अल हसन और बेन कटिंग को राजस्थान रॉयल्स की टीम एज ए पिंच हिटर ऑक्शन में टारगेट कर सकती है क्योंकि राजस्थान की टीम अपने स्क्वाड से 2-3 बेहतरीन ऑलराउंडर्स को रिलीज करेगी, जिसमें नाम आता है डेरी मिचेल, राशि वंडरसेन, रियान पराग का। तो इन सभी प्लेयर्स को राजस्थान की टीम बाहर करके ऑक्शन में नबी, साकिब और बेन कटिंग को टारगेट कर सकती है। इसके बाद इस लिस्ट की नौवीं बड़ी टीम है लखनऊ सुपर जायंट की टीम और ये टीम ऑक्शन में राशि वंडरसेन को परचेज कर सकती है, जो कि इस टीम के लिए मिडिल ऑर्डर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी कर
सकते हैं। इसके साथ ही लखनऊ की टीम करण पोलार्ड को भी ऑक्शन में अपने रडार पर ले सकती है। इसके बाद इस लिस्ट की आखिरी बड़ी टीम है गुजरात टाइटंस की टीम, और ये टीम ऑक्शन में कार्लोस ब्रैथवेट और एवन लुइस को टारगेट कर सकती है, जहां पर ब्रैथवेट इस टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं और एवन लुइस मैथ्यू वेड का बैकअप प्लेयर साबित हो सकते हैं। तो यही था आईपीएल 2023 के लिए सभी 10 टीमों के टारगेटेड पिंच हिटर बल्लेबाजी की फाइनल लिस्ट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।